अरे गौरी, क्या बात है, तुम अकेली खड़ी हो? कहाँ है वो तुम्हारी वो? ओ, मिस्टर पुरुषोत्तम ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं। हेलो मिसेस मल्होत्रा। हेलो राकेश, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, द ग्रेट बिजनेसमैन। कोई कहाँ थे इतने दिन तुम? सॉरी, मैं इंट्रोड्यूस कराना तो भूल ही गई। गौरी, ये है राकेश, और राकेश शी इज गौरी। हाय। जितना प्यारा आपका नाम है उतनी खूबसूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी हाजिर होती हूँ। जी आप, लगता है आपको मेरे यहाँ आना पसंद नहीं आया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अजी, ऐसी बात नहीं है तो फिर कुछ बातचीत कीजिए, कुछ हमारे बारे में पूछिए, कुछ अपने बारे में बताइए। आप करते क्या हैं? आप बहुत स्मार्ट, अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया और सीधा मेरे बारे में पूछ लिया। ठीक है, हम तो एक छोटे से बिजनेसमैन हैं, गारमेंट का बिजनेस है और भी छोटे बिजनेस है। साल का 40-45 करोड़ का तो टर्नओवर हो ही जाता है। अगर आप बुरा ना माने तो आपको एक बात बताऊं? जी कहिए। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, एक अजीब सी कशिश है इनमें, कोई भी आदमी इन्हें देखकर सीधा खिंचा चलाएगा आपके पास। आप बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं। अजी, मैं तो डांस भी बहुत अच्छा करता हूँ, अगर आप जैसी लड़की साथ दें तो। जी हमें डांस नहीं करना होता। ये कौन सी बड़ी बात है, हम आपको सिखा देंगे, और आप जैसी लड़की के लिए कोई भी डांस सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। अजी आप इतना सोचिए मत, एक बार अपना हाथ मेरे हाथ में लीजिए, मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। वेटर, आपको मालूम है यहाँ पर मौजूद सब लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, क्योंकि इस पार्टी की सबसे खूबसूरत लड़की इस वक्त मेरी बाहों में है। आपने कभी अपने आप को गौर से देखा है? जी। अरे बड़ी बड़ी मॉडल्स के पास ऐसा फिगर और ऐसी ब्यूटी नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक बहुत बड़ी मॉडल बना सकता हूँ। गौरी, आखिर आना ही पड़ा ना तुम्हें घर वापस। अब तुम्हें एहसास हो गया कि ससुराल ससुराल होता है। मैंने पहले ही कहा था, कितने दिन रहोगे तुम राधा के घर? पिताजी मुझे आपकी फिक्र थी, मुझे शुक्ला से पता चला कि सिन्हा ने आपको धमकी दी है कि अगर उसे पद्मा नहीं मिली तो वो हम सबको बर्बाद कर देगा। उसकी धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूँ। अरे वो क्या मुझे बर्बाद करेगा? ये बातें तो बाद में होती रहेंगी, पहले ये बता कि राधा कैसी है, वो क्यों नहीं आई तेरे साथ? माँ, उसका नाम मत लो मेरे सामने, उसने मेरा बहुत अपमान किया है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि मैंने शुक्ला को बता दिया कि पद्मा कहाँ है। तुम उससे झगड़ा करने लगी, मैं भी छोड़ के चला आया उसे। शुक्ला ने क्या क्या कहा तुमसे? उसने मुझसे कहा कि सिन्हा बहुत गुस्से में है, अगर उसे पद्मा नहीं मिली तो वो आपको बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये मालूम हो जाने के बाद कि पद्मा कहाँ है, उस शुक्ला के बच्चे ने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, और तुलारी उसका भी कुछ पता नहीं, कहाँ गई है? देखा क्या कमाल किया है तुम्हारे इन कपड़ों ने, वो आदमी तुम पर फिदा भी हो गया और तुम उसके साथ डांस भी करने लगी। हाँ, कौन था वो? वो एक बिजनेसमैन था, उसने हमें अपने साथ डांस करने के लिए कहा और हमने कर लिया। हाँ, और बाहों में बाहें डालकर हंस हंस कर बातें भी करने लगी। कब से चल रहा है चक्कर? पुरुषोत्तम, हम फिर बातें करेंगे, इस वक्त तुम नशे में हो इसलिए तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। अरे नहीं,
अभी बताना होगा इसी वक्त कौन था वो और कब से जानते तुम उसे? वो हमें कई पार्टीज में मिल चुका है। उसका नाम राकेश शर्मा है और उसने हमें मॉडलिंग का ऑफर दिया है। तो अब तुम मॉडलिंग भी करोगी? हाँ, हम मॉडलिंग भी करेंगे। हम इतनी अच्छी ऑफर को क्यों ठुकरा है? और वैसे भी आज लड़कियां कितनी आगे निकल गई हैं। लोग मौके की तलाश में रहते हैं और यहाँ हमें मौके ने खुद तलाश लिया है। हम मॉडलिंग जरूर करेंगे। तुमने अपने पति से बिना पूछे हाँ कैसे कर दी? बोलो। हमें तुम्हारी इजाजत की जरूरत महसूस नहीं। सिन्हा साहब, मैंने आपको साफ साफ बता दिया है कि पद्मा मुंबई में। ये खबर मुझे धनराज ने दी है। अब मैंने अपना फर्ज निभाया, या यूं कहिए कि अपनी वफादारी आपके खाते में डाल दी। नहीं नहीं शुक्ला, तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। अब आप मेरी मुश्किल आसान कर दें? बोलो। पहले एक वादा करें। देखो शुक्ला, अगर मेरे बस में है तो रहा। बोलो। मेरी आपसे गुजारिश है कि दुलारे के ऊपर जो इल्जाम हैं उन्हें आप हटवा दें, चाहे आपको पद्मा मिले या ना मिले। ये चक्कर क्या है शुक्ला? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, मैं पॉलिटिशियन हूं वायदे का पक्का, मैं दुलारी को बचा लूंगा। लेकिन अभी जो तुमने मुझे खबर दी है वो 100% सही है ना? 100% नहीं सिन्हा साहब, 200%। इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। हाँ दुलारी, कहां थी तुम रात भर? तुमसे पूछ रहा हूं मैं, रात भर गायब रहने के बाद अब जवाब ही नहीं दे रही हो? आपको मेरी इतनी चिंता है जेठ जी? तुम्हारे ये तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। आपको ठीक लगे ना लगे। दुलारी मैं तुमसे पूछता हूं, तुम कहां थी रात भर? जेठ जी, आप मेरे जेठ जी ही रहे तो अच्छा होगा। पति बनने की कोशिश मत कीजिए। मैं कहां जाती हूं, कब आती हूं, इससे आपको क्या लेना देना? दुलारी लगाम दो अपनी जबान को। जेठ जी, मैं बच्ची नहीं हूं, अपना भला बुरा अच्छी तरह समझती हूं। मुझे कब क्या करना है क्या नहीं करना मैं जानती हूं। तुम अपनी हद से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही हो। नहीं, मैं आपको अपनी हद बता रही हूं जेठ जी। सर आप प्लीज बैठिए। माँ, 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 ये सोनल के पिताजी हैं, सेठ रमनीलाल। नमस्ते, नमस्ते भाई साहब। सोनल आपकी बहुत तारीफ करती है, मैंने सोचा मैं भी आपसे मिलूं। आपकी बेटी भी बहुत प्यारी है। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। डैडी, मैं भी जाती हूँ आंटी की हेल्प करने। आओ। पद्मा, ये सोनल है, मोहन के स्टूडेंट। हाय। आओ ना। सोनल ने मुझे बताया कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो। टेल मी, शायद मैं किसी काम आ सकूं। आपका इतना कहना ही काफी है सर। तुम मुझे अंकल कह सकते हो सर। आप भी मुझे मोहन कह सकते हैं। बात क्या है, तुम बहुत दिनों से इंस्टीट्यूट ही नहीं। ये पद्मा है अंकल, मेरे छोटे मामा जी की बेटी। मैं इसी को लेने रामपुर गया था। वहां का कोई लोकल नेता है जो जबरदस्ती से शादी करना चाहता है। जो काम गुंडे बदमाश किया करते थे वो आजकल नेता कर रहे हैं, इसीलिए मैं बड़ी मुश्किल से इसे यहां लेकर आ गया। अच्छा किया। तुम्हें किसी भी किस्म की मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताओ। श्योर सर, अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर आपसे कहूंगा। मैं एक मिनट अभी आया। माँ, अभी तक चाय नहीं बनी क्या? थैंक यू डैडी, थैंक यू सो मच। फॉर व्हाट? डैडी आपको नहीं पता आज मुझे आपने कितनी खुशी दी है।
नहीं तो किसी स्पेशलिस्ट को क्यों नहीं दिखाती तुम? ये बार बार सर में दर्द होना अच्छी बात नहीं है। आपको तो जरा जरा सी बात पर चिंता होने लगती है। सर का ही दर्द है ना, चला जाएगा। तुम बहुत लापरवाह होती जा रही हो, कम से कम अपना तो ख्याल रखा करो। बाबूजी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, लेकिन ये जरा क्या हुआ इसे? वो क्या कहते हैं ना बाबूजी, बिजनेस की कुछ परेशानी है। क्यों? अच्छा खासा चल रहा है बिजनेस तो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूँ और फैलाना चाहता हूँ। अच्छी बात है, हमें तो खुशी होगी तुम्हारी तरक्की देखकर। मैंने तो माँ से कहा भी था, शायद आपसे कहना भूल गई। खैर तुम कह दो, क्या बात है? मैं बैंक गया था लोन के लिए। लेकिन तुम्हें लोन देने की क्या जरूरत है? तुमने तो अब तक अपने शेयर का वर्किंग कैपिटल भी यूटिलाइज नहीं किया। वो मुझे रॉ मटेरियल्स कुछ ज्यादा चाहिए। क्यों? बिजनेस बढ़ाने के लिए जरूरी है। वो घर के पेपर्स चाहिए सिक्योरिटी के लिए, बैंक में जमा कराने होंगे, तभी बैंक पैसे देगा। अगर बिजनेस को इतना बढ़ाना जरूरी है तो मैं खुद बैंक मैनेजर से बात करना चाहूंगा। मैंने बात कर ली है, सिर्फ जाके पेपर्स जमा कराने होंगे, वो मैं कर दूंगा। हाँ लेकिन साइन तो मुझे या तुम्हारी माँ को ही करने पड़ेंगे ना। तुम बैंक मैनेजर से मेरी एक मीटिंग फिक्स करा दो। ठीक है, मैं बैंक मैनेजर से टाइम ले लेता हूँ। चलो। मैंने आपको सिर्फ एक दिन दिया था, एक दिन। पद्मा कहाँ है? नहीं मालूम ना, लेकिन मुझे मालूम है पद्मा कहाँ है। मेरे हाथ बहुत लंबे हैं पृथ्वी जी, मेरे आदमी मुंबई का कोना कोना छान मारेंगे। अगर वो वहां नहीं मिली तो मैं पॉलिटिशियन हूँ वायदे का पक्का, मेरा जेल की हवा। सिन्हा साहब ऐसा गजब मत कीजिए, मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं खुद मुंबई जाके पद्मा को यहाँ ले आऊंगा। जो आदमी अपने घर में पद्मा को नहीं रोक सका वो मुंबई से यहाँ कैसे ले आएगा? आपकी आंखों के सामने मोहन उसे भगा कर ले गया। आप तो भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे आदमी पद्मा को ढूंढ लाएं, वरना आपके नसीब में जेल तो है ही। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं खुद मुंबई जाके उसे ले आऊंगा। आप एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं, मुझे बहुत जरूरी काम है, अब आप जाइए, जाइए। देखिए अब आप जाइए, मैं बोल रहा हूं आपको। मोहन भैया और गौरी को जो पैसे ट्रस्ट से मिलने वाले थे वो ताऊजी और माँ ने आपको किडनैप करवा के सारे पैसे हड़प लिए। ये बात राधा भाभी ने पुलिस को बता दी। ताऊजी और माँ की इस साजिश के बारे में सुखिया के आदमी ने भी पुलिस को बता दिया। बुआ, जब ताऊजी और माँ को ऐसा लगने लगा कि उन्हें उनके जुर्म की सजा मिलने वाली है तो वो ताऊजी के वकील है ना, क्या नाम है? कौन वो? नरेश? नहीं नरेश नहीं, शुक्ला, मिस्टर शुक्ला। उन्होंने ताऊजी को बहका दिया, कह रहे थे कि अगर वो इस सजा से बचना चाहते हैं तो सिन्हा से हाथ मिला ले, वो सब ठीक कर देगा। लेकिन ये सिन्हा कौन है? बुआ, सिन्हा एक अव्वल दर्जे का गुंडा है, किसी पार्टी के यूथ ब्रांच का प्रेसिडेंट है। ताऊजी ने उसे बात करने के लिए घर पर बुला लिया, वहां उसने मुझे देखा और मुझ पर पूरी नजर डालने लगा। ये बात दुलारी और पृथ्वी नहीं जानते थे? बुआ वो सब कुछ जानते थे, लेकिन उस सिन्हा ने ताऊजी के सामने शर्त रख दी, बोला कि अगर पद्मा की शादी मेरे साथ करा दोगे
तो इस केस में मदद करूंगा। ताऊजी और माँ ने अपनी जान बचाने के लिए मुझे उसकी भेंट चढ़ा दिया। दुलारी को ये क्या हो गया है? सगी माँ है तेरी और फिर भी? और लक्ष्मी की बात भी नहीं मानी उन दोनों ने। ताई जी ने मुझे सिन्हा से बचाने के लिए ताऊजी से मार तक खा ली, लेकिन ताऊजी और माँ पर तो खुद की जान बचाने का भूत सवार था। उन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं थी, मुझे दांव पर लगा दिया। इससे तो अच्छा था कि मेरे पैदा होते ही मेरा गला घोटकर मार डालते हो मुझे। देख, अब तू यहाँ आ गई है ना, अब तुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। हेलो, कौन? सीता दीदी? दीदी, मैं लक्ष्मी। अरे लक्ष्मी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? दीदी, यहाँ सब गड़बड़ हो गई है। धनराज ने सबको बता दिया है कि पद्मा वहाँ मुंबई में है। ये धनराज को क्या हो गया? पहले तो उसने खुद ने मदद की और अब धनराज क्या करेगा, उसका कोई भरोसा नहीं। दीदी, बस आप सावधान रहना और मोहन को भी समझा देना, ये लोग किसी को भी पद्मा को लेने के लिए मुंबई भेज सकते हैं। बाकी बातें बाद में करूंगी, अब फोन रखती हूँ। क्या हुआ बुआ? सब गड़बड़ हो गई। धनराज ने पृथ्वी को बता दिया कि तुम यहां मेरे पास हो। अब क्या होगा बुआ? वो आकर मुझे यहां से ले जाएंगे और फिर सिन्हा के साथ? मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊं लेकिन मैं रामपुर नहीं जाऊंगी। तुझे कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे पास। ऊपर नहीं जाऊंगी।